नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए आईटी नियमों को लेकर तकरार जारी है। दरअसल एक लंबे समय से देश में सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और केंद्र सरकार ने इस साल के 25 फरवरी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया कंपनी है उनके लिए ज्यादा कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें रिपोर्ट की गई सामग्री को 36 घंटे में हटाना होगा और तमाम और ऐसे नियम हैं जो नए आईटी रूल्स में शामिल किए गए हैं। भारत में काम करने वाले किसी अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने का भी इन नए आईटी नियमों में प्रावधान है और इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त भी दिया गया था और ये जो डेडलाइन थी वो 25 मई को रात 12 बजे तक की थी। इन्हीं नियमों के बाद से दोनों पक्षों में तकरार एक तरह से बढ़ी हुई है और इस सबके बीच जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है खासकर, उसने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया और नए नियमों पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर सरकार ने जवाब दिया है और सरकार की ओर से कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसका सम्मान करती है। व्हाट्सएप को कुछ केस में मैसेज के बारे में जानकारी देनी होगी और जो नया नियम है वो सभी टेक कंपनियों के लिए लागू होता है और व्हाट्सएप भी इससे अलग नहीं है। आज हम देश देशांतर में नए आईटी नियमों की बात करेंगे, इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि भारत के लिए अलग क्यों दिख रहा है सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया। और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं गौतम चिकरमिरे, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, साथ ही मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गौतम जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि जो नए आईटी नियम है वो मोटे तौर पर उनमें बड़े बदलाव क्या दिखाई दे रहे हैं और इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी। धन्यवाद, यहाँ मुझे बुलाया आपने। मैं ट्विटर के बारे में बताता हूं। पहले ट्विटर कहता है कि वो एक प्लेटफॉर्म है, जो उस पे छापे, जो भी उस पे कोई लिखे, कुछ भी लिखे, कुछ वीडियो डाले, इमेजेस डाले, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो डालता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिबेट भारत का अकेले का नहीं है, मगर रिसेंटली ट्विटर ने कुछ एडिटोरियल कॉल्स लिए हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर इंस्टेंस, जो कि लेटेस्ट, जिस वजह से ये पूरा भवंडर उठा, वो ये था कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्र, उन्होंने कोई कांग्रेस का टूल किट निकाला और कहा कि ये कांग्रेस ने लिखा है। ट्विटर ने कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, उसको लेबल कर दिया इससे। और बीजेपी के कुछ और स्पोक्स पर्सन और जो उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको उन्होंने कहा मैनिपुलेटेड मीडिया, जिन्होंने उस 4 पेजेस को ट्वीट किया था। वो पेजेस जो थे उसपे कांग्रेस का लोगो था, तो हो सकता है वो मैनिपुलेटेड हो सकता है ना हो, लेकिन इसका जजमेंट अगर ट्विटर लेता है तो वो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो बन जाता है पब्लिशर। अगर वो पब्लिशर बनता है तो उसको प्लेटफॉर्म के जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं लॉ के अंदर वो नहीं मिल सकते। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ट्विटर के लिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म है या वो पब्लिशर। अगर पब्लिशर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म है तो फिर वो एडिटोरियल कॉल्स नहीं ले सकता। इसी का संघर्ष चल रहा है एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल। दूसरा पॉइंट ये था कि कांग्रेस पार्टी ने एक FIR लॉन्च किया कि ये इन्वेस्टिगेट करो कि ये जेन्युइन है या मैनिपुलेटेड है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑन हो उस दौरान अगर ट्विटर कहे कि ये मैनिपुलेटेड है तो इन्वेस्टिगेशन जायज तरीके से जाएगा और पूछेगा आपके पास क्या एविडेंस है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। वो नोटिस डाला गया, उस नोटिस के बेसिस पे अब फ्री स्पीच और डेमोक्रेटिक राइट्स और ये सब का चर्चा शुरू हो गई। ये चर्चा बाय द वे भारत में अकेले में नहीं है। पिछले साल ट्रंप ने भी यही सवाल उठाया था कि आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्या आप प्लेटफॉर्म हो या पब्लिशर। अगर आप प्लेटफॉर्म हो तो आपके पास प्रोटेक्शंस हैं, मगर वहां पे जो भी लिबरल लोग थे, लेफ्ट लीनिंग लिबरल तरीके से उनको उठाया जा रहा था, और जब ट्रंप हार गया तो उसको तो डी प्लेटफॉर्म कर दिया। तो ये डिबेट यहाँ ही नहीं, USA में हो रही है,
फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, सब लोग अब सोच रहे हैं कि ये इनका ओवररीच है, ये जो मीडियम्स है, यही डिबेट अब भारत में आ गई। ठीक है, तो ये आपने गौतम सर कुछ एग्जाम्पल मैं कहूंगी वो दिए, और इसको अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो वाइस वर्सा हो सकता है, कोई और मामला भी हो सकता है। यानी मोटे तौर पर आप कह रहे हैं ये देखना होगा, ये समझना होगा कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं या जो साइट्स हैं वो मीडिया कंपनी है या फिर एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये चीजें साफ होनी चाहिए कहीं ना कहीं। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं जो नए आईटी नियम है वो लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और फिलहाल जो ज्यादातर जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या कंपनीज हैं क्या उन्हें इनमें एतराज है, और बड़े ऐसे बिंदु क्या हैं जिन पर एतराज जताया जा रहा है? प्रीति जी, जितनी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें से केवल उसमें से केवल जो है एक प्लेटफॉर्म जो है वो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है उन्होंने, और जो व्हाट्सएप है जिसका नाम, उनके लगभग 53 करोड़ जो है वो यूजर्स हैं। कोई बाहर की कंपनी आती है देश में, अगर वो व्यापार करती है छूट है, लेकिन उसको या कोई भी कंपनी हो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस देश में वो व्यापार कर रहे हैं उस देश के नियम और कानून उन पर लागू होते हैं, उनके मुताबिक उनको चलना पड़ेगा। इससे पहले जो आईटी एक्ट में जो गाइडलाइंस थी वो एक तरह से नखहीन और दंतहीन थी, वो बाइंड नहीं करती थी, वो सरकार आपको नोटिस दे सकती है, आपसे कह सकती है, परसुएड कर सकती है, ये सब मामला था। अब जो चेंज हुआ है, जो सेक्शन 79 है, उसमें एक परिवर्तन सरकार ने ये किया है कि भाई अगर कोई ऐसी न्यूज आपके प्लेटफॉर्म पर आती है या ऐसी कोई सूचना डाली जाती है जो देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए और सामाजिक सद्भाव के लिए, इसके लिए खतरनाक है, किसी की जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो आपको हमें जब हम पूछेंगे तब ये बताना पड़ेगा एक रीजनेबल टाइम में कि ये कहां से शुरू हुआ, उसका ओरिजिनेटर कौन है। सरकार सिर्फ इतना कह रही, सरकार ये नहीं कह रही कि आप सबका जो है हमको ये बताइए कि कौन सी पोस्ट किसने लिखी, कब डाली, इसकी बात नहीं हो रही। तो सरकार को निश्चित रूप से ये जानने का हक है, और उसके साथ साथ उसमें ये भी है कि 36 घंटे में आपको इस ऐसी पोस्ट को हटाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय दिया, 3 महीने तक व्हाट्सएप ने कुछ नहीं किया, दूसरी कंपनियों ने शुरू किया नहीं किया। कई कंपनियां कह रहे हैं कि हाँ हमने शुरुआत कर दी और कंप्लाई करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में व्हाट्सएप गया है इस आधार पर कि ये निजता का जो कानून है भारत का उसका उल्लंघन है, संविधान ने निजता को हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें रखा है निजता के अधिकार को, लेकिन भारत का ही संविधान कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, मनमानी नहीं है कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाए, देश में दंगे होने लगे, लेकिन हम आपकी जो है निजता की रक्षा करेंगे, ऐसा संविधान नहीं कहता है। तो ये जो मुद्दा लेकर व्हाट्सएप गया है कि ये निजता का अधिकार जो है उसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, हमको जो है फिर सारा जो है वो ट्रेस करना पड़ेगा, इसलिए लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो। पहली बात तो ये है कि जो कानून बना है देश का उसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो व्हाट्सएप निजता के इस अधिकार की बात कर रहा है वही अपने यहाँ नियम बदल रहा है, वो कह रहा है कि हमको हमारे जो जो यूजर्स हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनका जो डेटा है वो फेसबुक से हमको शेयर करने दिया जाए। तो जब आप फेसबुक से शेयर करेंगे वो डेटा तब निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन हम देश की सुरक्षा के लिए अगर किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का के बारे में जानकारी मांगते हैं कि इनकी पहचान बताइए, इसके जो ओरिजिनेटर हैं, तो आप कहते हैं निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? फिर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? आप एक एक प्लेटफॉर्म है, तो ये जो गौतम जी ने बात कही बिल्कुल सही बात है कि आप तय कीजिए प्लेटफॉर्म है या पब्लिशर है। तो सरकार ने कहा कि अगर आप इस कानून के बनने के बाद, इन गाइडलाइंस के बाद
उनकी सरकार की बात नहीं मानते हैं, उस रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं, तो सरकार सिर्फ इतना करेगी कि आपको जो लॉ सूट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो हटा देगी, क्योंकि सरकार मान लेगी कि आप पब्लिशर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो आप पब्लिशर हैं, तो आप कोर्ट में जाइए और मुकदमा झेलिए। अभी प्लेटफॉर्म के नाते आपको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि भाई आपका उसमें कुछ नहीं है, कि आप एक जैसे डाकिया होता है, वो चिट्ठी किसी के लेकर आया, किसी को पहुंचा दिया, उसमें उसका कोई उसकी भूमिका नहीं होती है। तो आप उस चिट्ठी में अगर कुछ गलत लिखा है तो उसके लिए डाकिये को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसी तरह का ये प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो हम कोई संदेश डालते हैं, गौतम जी के पास पहुंचा, ये हमारे उनके बीच की बात है। लेकिन वही जो गौतम जी ने अभी बात कही टूल किट वाले मामले में, कि अगर आप फैसला करने लगते हैं, एडिटोरियल डिसीजन लेने लगते हैं, तो फिर आप पब्लिशर बन जाते हैं, तो फिर उस कानून में आइए। तो समस्या यही है, ये इस जो कदम उठाया है व्हाट्सएप ने, उसके जरिए ये कहना चाहते हैं कि हम अपने तरीके से कानून बनाएंगे, हम आपके कानून को नहीं मानेंगे, मामला कुल इतना है। ठीक है। और गौतम जी, क्योंकि 3 महीने का वक्त दिया गया, तमाम इन नियमों को लेकर राय शुमारी की गई, तमाम मंथन किया गया, लेकिन अब ये समझिए कि जब डेडलाइन पास थी, उस समय कानूनी पहलुओं पर जाना और उस समय एक तरह से कोर्ट का रुख करना, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? और जैसे प्रदीप जी भी कह रहे हैं और आपने भी ये बात कही कि जब बाकी जगह, बाकी देशों में आप वहां के नियम मान रहे हैं, उनके नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर भारत में इस तरह की दिक्कत क्यों है? तो ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ हम कहें कि कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाना, या फिर और क्या चीजें हैं इसके पीछे जो इस तरह का रवैया अभी हमें डेडलाइन खत्म होने के पास दिख रहा है? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इट इज अ मेजर एरर, बहुत बड़ी मिस्टेक है। मगर अगर वो कहें कि भाई हमें 1 महीना और दे दीजिए, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इसमें आपको टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम्स बदलने पड़ेंगे, आपको पूरा एक रीथिंक करना पड़ेगा, एक आदमी बिठाना पड़ेगा, आदमी थोड़ी होगा, वो तो पूरी टीम होगी कंप्लायंस ऑफिसर की, तो उसके लिए समय देना चाहिए। हम भी जब टैक्स की डेडलाइन आती है, जनरली सरकार 1-2 महीना आगे कर ही देती है, तो मेरे ख्याल से इसमें अगर सरकार 1-2 महीना आगे कर दे, इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, कोई इट विल बी अ गुड साइन कि वी आर सीकिंग अ सॉल्यूशन रादर देन अ कॉन्फ्रंटेशन। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन हो रही है रिपब्लिक ऑफ ट्विटर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो कह रही है भाई हमें थोड़ा समय दे दीजिए, सरकार की बस का डिसीजन है कि देना है या नहीं देना, मुझसे अगर पूछे मैं कहूंगा दे दीजिए, कोई टेंशन, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो एरोगेंस, जिस एरोगेंस से ये लोग आ रहे हैं, इससे मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। बाय द वे, ट्विटर मेरा फेवरेट ऐप है, मैं बहुत इसका प्रयोग करता हूं, और प्रदीप जी भी करते होंगे, और जितने भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, जो भी न्यूज को ट्रैक करता है, इंफॉर्मेशन को चाहता है, टॉप क्वालिटी के लोगों को फॉलो करना चाहता है, वो सब विदाउट एक्सेप्शन ट्विटर पे अवश्य होंगे। इट इज द बेस्ट मीडियम। मगर ट्विटर का इतना अच्छा होना ये नहीं कि आप हमारे लॉज के ऊपर हो। फॉर इंस्टेंस, आज ट्विटर कुछ थोड़ी देर पहले ट्विटर की एक स्टेटमेंट आई है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूँ। To keep our service available, we will strive to comply with applicable law in India. अब ये strive to comply क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रही, कौन ये लिख रहा है press release? What do you mean by strive to comply? Law है, आपको comply करना है, नहीं करोगे तो consequences face करने, end of matter. फिर कहते हैं हमारे जो global terms and conditions हैं, I don't want to read the whole thing, जो मेरे को याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, जो हमारे global terms and conditions हैं, they are not in sync with this, we look at पब्लिक इंटरेस्ट, वी वॉन्ट फ्री स्पीच, वी वॉन्ट डेटा प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह, इस तरीके की बात कर रहे हैं, कौन रोक रहा है भाई आपको? सवाल इतना ही है कि अगर सरकार ने कहा है कि आपका कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि कंप्लेंट्स लेगा, और आपको 3 महीना दिए गए हैं, द राइट थिंग वुड बी कि हमें 1-2 महीना और दे दीजिए, 2 महीना, ट्विटर ने 3 महीना मांगे हैं, और मेरे ख्याल से 3 का तो पता नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आगे पीछे दे देना चाहिए, वो बात और है, रिक्वेस्ट करना और बात है, मगर अधिकार जमाना कि हमारे ग्लोबल टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं,
हम ये हैं, हम वो हैं, हम पावरफुल हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स दुनिया की पॉपुलेशन से ज्यादा हैं, सबसे बड़ा देश आज फेसबुक है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो उसका जो बुलिंग टाइप जो लग रहा है कि भारत यू नो आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो हम वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, आई एम नॉट श्योर। कल तक तो नहीं हो रहा था अमेरिका में, यूरोप में भी लॉज बदले हैं जैसे प्रदीप जी ने बताया अभी। तो ये भारत, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल मामूली सी टसल है, मगर जो बड़ा मुद्दा जो मेरे दिमाग में वो यही है कि ये मीडियम्स, अच्छा ये इतनी बड़ी चीज क्यों है? कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो हम थोड़ी इतना बड़ा डिस्कशन करते। ये इसलिए है कि इतना पावर है इन कंपनीज के अंदर, और जो हमने महसूस भी किया है पिछले इलेक्शंस के अंदर कि वोट फॉर सो एंड सो, वोटर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी हमारे दो इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल, उत्तर प्रदेश के और गुजरात शायद, 24 में जनरल इलेक्शन। भारत वो देश है जहाँ इलेक्शन हर साल तो अगर आप अपनी आइडियोलॉजी, ये लोग आइडियोलॉग्स हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लेफ्ट लीनिंग हो जियो भाई, जम के जियो, भारत में आपके लिए बहुत जगह है। राइट लीनिंग हो तो भी बहुत जगह है, और सेंट्रिस्ट हो तो भी जगह है, लेकिन अपनी लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी को इतना बड़ा पावर इकट्ठा करने के बाद उसका दुरुपयोग करना, उस पर एडिटोरियल स्टांसेस लेना, उस पर ट्रंप जैसे लोगों को डी प्लेटफॉर्म करना, और भारत में पता नहीं कल किसको डी प्लेटफॉर्म करते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कल शायद मेरा ट्विटर अकाउंट डी प्लेटफॉर्म हो जाए, हु नोस, ये अलाउड नहीं होगा। तो आई कम बैक टू माई कोर आर्ग्यूमेंट, आप पता नहीं आपने वो फिल्म देखी है या नहीं, खोसला का घोसला, 15 साल पहले आई थी 2006 में, उसके अंदर पूछता है भाई आप पार्टी हो या ब्रोकर, यही सवाल आज ट्विटर से पूछा जा रहा है, आर यू अ प्लेटफॉर्म और अ पब्लिशर। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा कि सबसे बड़ी फैमिली फेसबुक है, आपने चुनाव का जो बात है वो उठाई है गौतम जी, इसको अगर मैं और जोड़ूं तो भारत एक बहुत बड़ा देश है अपने आप में, भारत की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है, यानी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमें और देशों से काफी अलग भी बनाते हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें, शांति और सद्भावना बनाकर रखने की बात करें, तो तमाम ऐसे मसले हैं जो हमारे लिए पेचीदा और हमारे लिए काफी गंभीर भी हैं। और प्रदीप जी आप कहीं ना कहीं मानेंगे कि तमाम मसलों को लेकर भी जो भारत में अब आईटी नियम है और जिस तरह से सोशल मीडिया का लगातार विस्तार हो रहा है, ये मुफीद वक्त था इस समय इस कड़ाई के लिए? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा शायद थोड़ा देर से आया है ये कानून, थोड़ा और पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब भी शुरू हो जाए, अच्छी शुरुआत जब भी हो अच्छी ही बात है। देखिए ये कंपनियां चाहती क्या है, ये कंपनियां चाहती हैं कि हमको किसी जवाबदेही से मुक्त रखिए, हमको देश के कानून से ऊपर रखिए, हमारे ऊपर आपका कानून नहीं चलेगा, हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल है, बहुत बड़े हैं, आप यहाँ आए हैं तो एहसान किया है, कोई एहसान नहीं कर रहे, आप यहाँ पैसा कमाने आए जरूर कमाइए, आप बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाएं, सर्विस दे रहे हैं पैसा कमाएं, किसी को एतराज नहीं है। जितने केवल व्हाट्सएप की बात करूं, अगर जितने सब्सक्राइबर यहाँ उनके हैं पूरे यूरोप को मिलाकर उतनी आबादी नहीं है, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, और आप ट्रीट कैसे कर रहे हैं उस देश को जैसे आपकी कॉलोनी हो, आपके मातहत हो, कि हम आदेश दे रहे हैं, हमारी बात सुनिए, हमारी बात को आप कानून मानिए, ये सब ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इस देश की राजनीति की दिशा ये तय करें, ये तय करें कि सोशल मीडिया पर क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, ये तय करें कि उनकी नजर में क्या सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट होती है, जो भी डाला जाता है, वो उनके हिसाब से ठीक है या नहीं, देश के लिए ठीक है या नहीं इससे मतलब नहीं, देश को उसको नुकसान होगा उसका फायदा होगा इससे उनको मतलब नहीं, उनका जो एम है, उनका जो बल्कि मैं कहूंगा जो अघोषित लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए वो दाएं बाएं से जो है ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधी बात से कोई मतलब नहीं है, जैसे निजता के अधिकार का मुद्दा उठाना, निजता के अधिकार का मुद्दा, भाई सरकार ने 3 महीने पहले ये कानून लेकर आई, उस समय जो है आपको 3 महीने का समय दिया गया, आप चुपचाप बैठे रहे, जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई आप अदालत में पहुंच गए, इनको फायदा कहां से मिल रहा है, फायदा मिल रहा है हमारे देश के विपक्षी दलों से, जो जिनको ये लगता है कि इस सरकार का विरोध करने के लिए देश के भी विरोध में जाओ तो कोई हर्ज नहीं,
अब आप मैं इसी कानून की जो ये गाइडलाइंस है इन्हीं की बात करूं। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता है, सबको पता है, उसी स्टैंडिंग कमेटी ने आम सहमति से ये क्लॉज सेक्शन 79 में ये प्रोविजन किया है, ये बहुत जरूरी है, ये जो है इन प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा कि अगर कोई गलत इस तरह का की पोस्ट आई है तो उसका ओरिजिनेटर कौन है। और आज जब सरकार ने वो कर दिया, और सरकार ने ऐसे नहीं किया अपने मन से कि एक दिन सोकर उठी और कहा कि आज से हम जो है ये नई गाइडलाइंस जारी करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपकी गाइडलाइन है ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इतनी सॉफ्ट है ये। उसके बाद सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गया मामला, वहां से उसकी रिकमेंडेशन आई, उसके आधार पर ये गाइडलाइंस आई। अब वही पार्टी जिसका नेता जो है इसका समर्थन कर रहा था, बाकी सदस्य भी थे, कांग्रेस के दूसरे दलों के भी थे, वही आज सार्वजनिक रूप से आकर विरोध कर रहे हैं कि सरकार तो जो है लोगों की बात स्वतंत्रता का अधिकार छीनना चाहती है, गला दबाना चाहती है फ्री स्पीच का, और क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मतलब कुल ये है कि चूंकि इस सरकार ने किया है तो इसे गलत कहा ही जाना चाहिए। और गौतम जी, क्योंकि बार बार जो मूल सवाल खड़ा हो रहा है वो यही है कि वो दोहरा रवैया क्यों है, अगर आप बाहर के देशों में वहां के नियम मानकर वहां काम करेंगे, और भारत एक बड़ा बाजार है जैसा प्रदीप जी ने भी कहा, तो भारत के नियमों को मानने में इतनी अड़चने क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि बाकी देशों में हमने देखा कि लोगों ने भी तमाम साथ दिया है, भले ही वो रेवेन्यू शेयरिंग की हाल ही में बात रही हो, ऑस्ट्रेलिया में रही हो, यूरोप की कई कंट्रीज में भी आईटी नियमों को लेकर जो बदलाव है वो हमें देखने को मिला, और आम लोगों का पूरा जो साथ था वो भी हमें देखने को मिला कि वो सरकार के पक्ष में ही था, इसीलिए जो बड़ी टेक कंपनीज है उनको तमाम मामलों में झुकना भी पड़ा है। लेकिन फिलहाल मैं समझना चाहूंगी, क्या आपको ये प्रक्रिया अभी के लिए लंबी दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि कुछ और अभी जो समय है उस समय के साथ हमें और कुछ सुधार भी इन आईटी रूल्स में देख सकते हैं? अभी आगे दिशा क्या दिखाई दे रही है? मुझे लग रहा है हमें ये जो शोर चल रहा है इस वक्त, इस शोर से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। गूगल के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो उनको लॉज अपने बदलने पड़े, मैं प्रिसाइजली नहीं जानता, मगर कुछ साल पहले बात हुई थी यूरोप में, वो उनके अदालतों से, उनके जुडिशियल प्रोसेस से हुई थी, और उन्होंने फिर माना, कुछ फाइन्स हुए थे और उसके बाद लॉज बदले थे। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप एक लॉ लाते हैं, कोई उसको अपोज करता है, वो जाता है जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर, जुडिशरी डिसाइड करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, और फिर उसके बाद एवरीबडी हैज टू फॉलो दैट लॉ। यही चीज हो रही है। तो मेरे ख्याल इस वक्त शोर शराबा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि ट्विटर है, हम लोग बड़े क्लोज है उससे, बाद व्हाट्सएप है, हर घर घर में हर एक के पास व्हाट्सएप है, एक इम्पॉर्टेंट माध्यम बन गया है। कोविड के अंदर कितना इसने अच्छा काम किया, तो मैं उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है ये। जो भी इंडियन एप्स ने आने की कोशिश की वो असफल रहे हैं, फिलहाल अभी तक असफल रहे हैं, कल का मुझे मालूम है। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, मगर भारत का भी है और यूएसए का भी है, ईयू का भी है। अगर ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं कि हमें एक ही ग्लोबल है, यानी हम एक रिपब्लिक ऑफ ट्विटर हैं या गवर्नमेंट ऑफ व्हाट्सएप हैं, तो वो तो गलत है। उनको जिस क्षेत्र में जाके कहाँ बिजनेस करना है, उस जगहों उन ज्यूरिसडिक्शंस के लॉज का पालन करना पड़ेगा। ये लोग भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो चले जाएंगे। मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या टूट पड़ा है, कि भारत ने क्या गुनाह कर दिया है कि इतना एट्रोशियस है, फ्री स्पीच के खिलाफ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भारत जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ज्यादा ही एक्सेंचुएट हो गया, मगर पहले भी कांग्रेस के जमाने में भी कुछ कांग्रेस लॉ लाती थी तो बीजेपी उसके खिलाफ उठता ही था, ये उनका काम है। आज बीजेपी खड़ी है तो कांग्रेस उनके खिलाफ हो जाता है, ये हमारी डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी से आप कह सकते हो कि ये अगर आप एक तरफ अलाइंड हो, सपोज आप कांग्रेस के आदमी हो, तो आपको लगेगा बीजेपी क्यों इंटरफियर कर रहा है, बीजेपी के हो तो आप बोलेंगे कि कांग्रेस क्यों इंटरफियर कर रहा है। मगर इसी को तो डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये इसी फाइट से, स्ट्रेंथ से, उससे फिर लॉ ज्यादा होन होता रहता है, स्ट्रॉन्गर होता रहता है, फिर वो जुडिशियल स्क्रूटिनी में जाता है, वहां जुडिशरी बोलती कि हाँ जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उसके बाद तब जाके वो लॉ आपके पास आते। सोचिए इतनी स्ट्रांग हमारी डेमोक्रेसी। तो इसे एक छोटा सा लॉ है, दो चार कंपनियों की बात है, वी शुड नॉट गिव इट टू मच इम्पोर्टेंस। हाँ, ये कंपनियां बड़ी हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत है, तो हमें केयरफुली
ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा हमको भी अपना दादागिरी नहीं करनी चाहिए, मगर अगर ट्विटर और व्हाट्सएप कुछ ज्यादा ही अपने सोचें कि हमारी अपनी सरकार, हम अपनी रिपब्लिक में चलेंगे, तो फिर उनको तो जमीन पे लाना होगा ही। तो मेरे ख्याल है टू आंसर योर क्वेश्चन, ये शोर शराबा है, होगा, चलता रहेगा। आज ट्विटर है, कल फेसबुक, परसों कुछ रोड सड़कों पे होगा, उसके बाद चाइनीज ऐप्स पे होगा, ये झगड़े चलते रहेंगे। लेकिन हमें अगर एक बार पीछे हटके कामली सोचे तो ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, और ये लोग इंडियन कंपनीज हैं, इनका अधिकार है कि आप कोर्ट में जाओ, दे हैव द राइट्स, दे आर एंटाइटल्ड, जैसे आप और मैं भी। मगर जब तक वो लॉ नहीं बदलेगा, अच्छा कोर्ट में जाके शायद लॉ भी बदल जाए, वी डोंट नो, लेकिन जब तक वो लॉ नहीं बदलेगा, आपको उस एग्जिस्टिंग लॉ का पालन करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते तो आप लॉ ब्रेकर बन जाते हो, कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ आएंगे। बिल्कुल। और प्रदीप जी, जो सवाल आम लोगों के मन में है, अगर उस नजरिए से मैं पूरा साफ तौर पर आपसे पूछूं, तो आम लोगों के मन में यही बात है कि क्या इसमें मेरा कोई फायदा है या मेरा कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो रस्साकशी है वो सरकार और जो टेक कंपनीज है उनके बीच ही ज्यादा नजर आ रही है। तो आम लोगों के नजरिए से आपको क्या लग रहा है? और दूसरी बात ये है कि सवाल ये मन में आ रहा है कि क्या बहुत जल्द ही अब हम ये देख सकते हैं कि इन पर बैन लग जाए, ये सब बंद हो जाए, तो अभी क्या तस्वीर आपकी नजर में, क्या दिशा या क्या बीच का रास्ता नजर आ रहा है? नहीं देखिए, मैं गौतम जी की बात से सहमत हूँ कि शोर ज्यादा है, ये कोई बैन नहीं होने जा रहा है, कोई बंद नहीं होने जा रहा है। तो जो आम ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको इस बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि ये कंपनियां कल को बंद हो जाएंगी, आज सरकार आधी रात में उठ के बैन लगा देगी और कहेगी जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो क्या रहा है कि ये जोर आजमाइश हो रही है, इन कंपनियों को लग रहा है कि हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि हम भारत सरकार को झुका सकते हैं, और भारत सरकार अब जागी है, वो कह रही कि नहीं, हम जो है एक सोवरेन रिपब्लिक है, हमको आप इस तरह से नहीं झुका सकते, हमारा कानून तो आपको मानना पड़ेगा। जब तक हमारे देश में आप व्यापार कर रहे हैं तब तक हमारा कानून मानिए, आपको व्यापार नहीं करना है आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ये इतने बड़े होते जा रहे हैं ताकत में, आप देखिए ये एक बात, इस बात का मैसेज बहुत ज्यादा गया है कि जो है ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, अमेरिका का राष्ट्रपति जो सबसे ताकतवर होता है दुनिया में, तो अब अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट बंद किया जा सकता है तो किसी का भी किया जा सकता है, फिर ट्विटर कुछ भी कर सकता है। ये इन प्लेटफॉर्म्स को इससे एक नई ताकत, मनोवैज्ञानिक रूप से कहिए, मिली है। लेकिन इनको एक बात फिर मैं कह रहा हूं कि ये बात इनको समझनी चाहिए कि ये नया कंपनी बहादुर बनने की कोशिश मत करें, ये भारत सरकार वो सरकार नहीं है जब कंपनी बहादुर आए थे, अंग्रेज आए थे, उस समय की नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है, ताकतवर भारत है, वो अपने अधिकारों को भी जानता है, अपने कर्तव्य को भी जानता है। तो इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहती है कि आप आसानी से, सुविधाजनक ढंग से अपना व्यापार चलाएं, और हमारे जो कानून है, हमारे देश में अगर कोई संकट आता है और उसमें अगर आप अड़ंगा डालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसके लिए अगर आप जिम्मेदार हैं, तो आप कानून का सामना करने के लिए तैयार रहिए, और तो कुछ कह नहीं रही सरकार कह रही है कि ये जानकारी दे दीजिए, आपकी मर्जी है, आप कह सकते हैं कि हम नहीं देंगे, तो सरकार कह रही है फिर कानून आपके सामने है, उस कानून का सामना कीजिए, इतनी सी बात है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, और जो तमाम मंथन के बाद जिस तरह से नए आईटी रूल्स आए हैं, उन्हें लागू करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी ही है, और जाहिर सी बात है कि डिजिटली जब आप काम कर रहे हैं तो आपको डिजिटल डॉन बनने नहीं दिया जा सकता, उस पर लगाम लगाना भी काफी जरूरी है, और इसीलिए जो रूल्स हैं वो हमारे सामने हैं, अब देखना होगा आगे जो डेवलपमेंट्स है वो किस तरह से आगे हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ समय पूरा हो गया, गौतम सर आपका, प्रदीप सर आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।